हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस कोरोना महामारी से लड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है और जिस तरह से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने युवाओं को जोड़कर सैनिटाइजिंग का काम किया है और मास्क बांटने का काम किया है वो सराहनीय है और प्रेरणा का स्रोत है, ये कहना है नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर का। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जहां पर इस महामारी से लड़ने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है और इसमें युवा कांग्रेस अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में जगह जगह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को महामारी के बारे में अवगत भी करवा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी में जिस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और क्षेत्र को सैनिटाइज करने के साथ साथ मास्क बांटने का भी काम किया वह काफी महत्वपूर्ण है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने ज्यादा युवा कांग्रेस के साथ मिलकर देश व प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और हर क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया जा रहा है, ये एक सराहनीय काम है जिसके लिए युवा बधाई के पात्र हैं। कोरोना का संकट पूरी दुनिया में आज लोग महसूस कर रहे हैं और भारतवर्ष में भी इस बीमारी ने जो है वो कदम पसारे हैं, उसमें जो हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम चला है उसमें मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी तौर पे अपने ढंग से काम चला है, लेकिन हमने पार्टी लेवल पे जो मैंने नैना देवी हलके में और उससे भी बाहर जो प्रदेश के अंदर जो युवा कांग्रेस के जो साथी हैं उन्होंने जो सैनिटाइजेशन का काम किया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मनीष ठाकुर जी और उनके सारे सहयोगी जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ा के जो है वो मेहनत करी है, मैं उनको इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सैनिटाइजेशन का काम जो वहाँ पे मैं कहूँगा कि जो मास्क बांटने का काम जो है वो इन लड़कों ने किया है, ये मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा काम है। और मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में तो खास तौर पे कहना चाहूँगा कि हमारे हर पंचायत के अंदर जो नौजवानों ने अपने आप जाके व्यक्तिगत तौर से जो सैनिटाइजेशन का काम किया है या मास्क बांटने का काम किया है या जो भी हमने तीन जो है वो टाइम पे जो अलग अलग से हमने कार्यक्रम उनको दिया है, मैं मनीष जी को उनके सहयोगियों को और मैं ये कहना चाहूँगा इन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने बाखूबी इस कार्यक्रम को लोगों तक ले जाने में बड़ा सराहनीय काम किया है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ कि शायद मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में नौजवान साथी जो है वो हमारे साथ जो है वो इस कार्यक्रम के अंदर खड़े हुए हैं, उससे लगता है कि इस बीमारी से निपटने के लिए हम सारे इकट्ठे होके जो है वो प्रयासरत हैं और उसमें हम कामयाब होंगे।